हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रूपाली। तो आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो कि वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके लिए कुछ वर्कआउट करते हैं या कोई एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो को बिना एंड तक देखे अपना वर्कआउट कंटिन्यू मत करना या फिर कोई नई एक्सरसाइज शुरू मत करना। तो ये अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड यस, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं या जिन्होंने सुना है कि जितना ज्यादा पसीना आता है एक्सरसाइज करते हुए उतनी जल्दी आपका वेट कम होता है एंड आपका फैट कम होता है। आई नो 90% लोगों का यही मानना है एंड इस वजह से मैंने ये भी काफी ज्यादा जिम में वर्कआउट करते लोगों को देखा है कि वो स्वेटशर्ट या जैकेट पहन के वो एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पसीना आए एंड जल्दी से उनका वेट लॉस हो जाए। अब ये बताओ, ऐसा करके कितनों का वेट एक्चुअल में लॉस हुआ है? तो ट्रस्ट मी, पसीना आने से वेट लॉस का कोई मतलब नहीं है कि पसीना आ रहा है तो फैट मेल्ट होके निकल रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पसीना स्वेटिंग हमें कब बहुत ज्यादा होती है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो जाता है एंड उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी वाटर रिलीज करती है एंड उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स भी रिलीज करती है। तो बहुत ज्यादा पसीना आने से आपका वेट लॉस तो नहीं होगा बट आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। तो प्लीज ये एकदम गंदे वाली बकवास एंड मिथ है, इसको छोड़ दो। जो लोग ये चीज फॉलो करते हैं, स्वेटशर्ट पहन के जैकेट्स पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको अभी की अभी बंद कर दो, ऐसा मत करना। एक चीज होती है कि हम क्या करते हैं कि यार मुझे ना सिर्फ अपनी बेली पे से फैट कम करना है, मेरी आर्म्स बहुत मोटी है, मुझे सिर्फ आर्म्स पे से फैट कम करना है। लोगों को कहते सुना है कि मुझे सिर्फ अपना बेली फैट रिड्यूस करना है एंड इसके लिए मैं आजकल काफी ज्यादा बेली की एक्सरसाइजेस कर रही हूं। कुछ लोग होते हैं कि दिन में 100, 200, 300, 300, 400 क्रंचेस मार रहे हैं कि मेरी बस एब्स निकल आए या फिर मेरी बेली फैट कम हो जाए। कुछ स्क्वाट्स कर रहे हैं, सिर्फ थाइज पे फोकस कर रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है। अगर आप कहीं भी एरिया का फैट कम करना चाहते हैं तो अगर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो उससे आपका कभी भी उस पर्टिकुलर एरिया का फैट लॉस नहीं होगा। आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं, आपको वेट कम करना है, आपको ऑल ओवर बॉडी की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपना एक हाथ चलाते रहो एंड आपका एक हाथ पतला हो जाएगा एंड दूसरा वैसा ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है, आपको पूरी बॉडी पे फोकस करना पड़ेगा, पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो जो फैट होता है एक्सेस ऑल ओवर बॉडी में, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑल ओवर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। बात करते हैं हम वेट ट्रेनिंग एंड वेट एक्सरसाइजेस की। एक चीज हम सबने सुनी है कि लड़कियों को वेट्स वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनकी बॉडी बन जाती है, वो मेनली लगने लग जाती है। आपको सच में ऐसा लगता है कि बॉडी बनाना इतना आसान है? जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो पूरे पूरे टाइम जिम में पड़े रहते हैं एंड वो क्या नहीं करते तब जाके उनकी बॉडी बननी शुरू होती है। एंड आपको लगता है कि 10 मिनट लड़कियां अगर वेट ट्रेनिंग कर लेंगी, वेट वाली एक्सरसाइज कर लेंगी तो आपकी मसल्स बन जाएंगी, आपके डोले बन जाएंगे? तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग लड़कियों को नहीं करनी चाहिए या वेट ट्रेनिंग करने से आपके डोले बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सारी एक्ट्रेसेस को उठा के देख लो, हर कोई वेट ट्रेनिंग करती है, उसको कौन सी एक्ट्रेस ऐसी है जो आपको मैनली लगती है? नो, सारी एक्ट्रेसेस बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जब तक मैनली नहीं लगेंगे, जब तक आपके डोले नहीं निकलेंगे, जब तक आप नहीं चाहते। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगती है डोले बनाने में एंड मसल्स वैसी वाली बनाने में, बॉडी बिल्डर्स वाली। सो ये कंप्लीट एक मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग या वेट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी आपको डेली एक्सरसाइज में 15 मिनट्स वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए अगर आप सीरियसली वर्कआउट करते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट दैट ब्यूटीफुल बॉडी। तो जरूर अपने वर्कआउट में 15-20 मिनट्स, जितना आप चाहते हैं, जितना आप कंफर्टेबल है, आप जरूर वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करें। एक चीज सब पूछते हैं कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो मोस्टली सुना है कि बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने का होता है सुबह उठ के 5-6 बजे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बेस्ट टाइम है, पेट खाली होता है एंड खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये वाली बातें काफी ज्यादा सुनी है पर ट्रस्ट मी, सुबह अगर आप उठ के आपको अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करना
तो आप उठ के एक्सरसाइज करें, लेकिन आपको ये सुबह स्पेशली एक्सरसाइज करने के लिए उठना बहुत बड़ा टॉर्चर लगता है तो प्लीज बिल्कुल भी ना करें। तो बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का वो है जब आप चाहते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। द थिंग इज व्हेन यू आर करने जा रहे हैं तो उससे 10-15 मिनट पहले एक छोटी सी मील जरूर ले लें, और कुछ नहीं तो एक एप्पल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लें। खाली पेट कभी भी एक्सरसाइज मत करना। एंड बेस्ट फ्रूट होता है आपकी एक्सरसाइज शुरू करने के लिए बनाना। आप एक बनाना खा के एक्सरसाइज करें, एंड क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए भी योर बॉडी नीड्स एनर्जी। अगर आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। एंड एक्सरसाइज करने से पहले आप जो भी फ्रूट या कुछ भी मील ले रहे हैं वो फैट में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। तो प्लीज प्लीज कभी भी एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज ना करें। तो इतने सारे एक्सरसाइज मिथ्स आपको मैंने बताया जो कि गलत फहमियां हमारे अंदर रहती हैं। मैं भी इनमें से काफी सारी चीजों को पहले सच मानती थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो ऑल दीज थिंग्स आर मिथ, इनको अभी साइड कर दो। तो आई होप आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको यूजफुल लगी है तो जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बिकॉज दिस इज ये ऐसी चीजें हैं जो सबको पता होनी ही चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जब तक के लिए बाय गाइस, सी या, एंड रिमेम्बर आई लव यू ऑल। बाय।